अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज वीकेंड है और बड़ा ही लेज़ी दिन है। यूजुअली ऐसा होता है कि मेरा अगर अलार्म बज जाता है ना 8 बजे 8:30 बजे तो मैं फ़ौरन उठ जाता हूँ। आज पता नहीं यार उठने का दिल ही नहीं किया। बेड में लेटा रहा हूँ, उसके बाद मेरा उठने का दिल नहीं कर रहा था। ज़रा लेज़ी लेज़ी भाई चल रहा है आज। तो आई होप कि सिर्फ सुबह लेज़ी थी, बाकी दिन एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव होगा बिकॉज बड़ा कुछ करना है यार। प्लस एक बड़ा ही सुपर सनी डे है, तो इससे पहले कि सूरज चला जाए हम सूरज भी इंजॉय करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि जितनी सनलाइट लगाई जाए उतना आउटडोर जाया जाए उतना बेहतर। सनलाइट भी इंजॉय करेंगे। सनिया का वेट कर रहा हूँ, ब्रूनो को लेके बाहर जाना है। उतनी जय मैं बूनी के साथ खेल रहा हूँ यहाँ पे। ये जरा लाडियां शाडियां करा रहे हैं यहाँ पे। कल हमने इसको बिल्कुल भी लाडियां नहीं की, अब हम इसको लाडियां करें। इसको शॉपटी शॉपटी शॉपटी। और इसका ये मैंने ना एयर टैग वाला पट्टा जो है ये मैंने धो दिया। इसमें क्यूट भी लगता है, ट्रैकर लगा हुआ बेचारे पे। ऐसे जैसे छोटा सा पप्पी है कि घूम ना जाए। चलें, लेकिन इसका जाने का मूड है। आप लोग तो कंफर्टेबल ही हो गए हैं, अभी बिस्तर से उठ के आए हैं, यहाँ लम लेट हो गए। ऑल्सो गाइस, हम दिखाने भूल गए आपको, ये हमने ना सेटी वर्सेस स्टोरेज स्लैश क्या इसको बोलेंगे, चले बेंच बेंच। तो ये हमने बेंच ले लिया। ये जो बेंच है ये बेसिकली यहाँ पे आता है ताकि, बिकॉज हमने रियलाइज किया कि जो सीटिंग स्पेस है वो कम है। ये सोफा इज अ 2 सीटर, वो एक, तो ये तीन तो बैठ गए, चौथा कहाँ बैठेगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2-3 लोग और बैठ जाते हैं। वैसे रूटीन में तो ये 2-3 सीटर है, और वैसे रात को और हमारे चिल करने के टाइम पे ये हमारा फुट रेस्ट है। 3 सीटर तो बिल्कुल हरगिज़ 3 सीटर है यार। नहीं यार, 2 सीटर दो लोगों से ज्यादा तो नहीं बैठ सकते इस पे। गोदों में बैठेंगे अगर 3 बैठेंगे। चलो एटलीस्ट 2 लोगों का तो हो गया ना सोल्यूशन। चलो बुनी चले, मुझे लग रहा है इसका बिल्कुल जाने का मूड वूड नहीं है। ओहो माशाल्लाह, लॉन्गेस्ट मूव स्ट्रीक, कीप योर मूव स्ट्रीक अलाइव, ऐड अनदर डे टुडे। जाहिर सी बात है इतना चल रहे हैं तो स्ट्रीक ही होंगी। ये आवाज दो इसको, देखो आता है कि नहीं। ब्रूनो चले चले बुनी, ऐसे आएगा स्क्वीकी आवाज में बोलो ना। मुझे लग रहा है उसको ना बिल्कुल बस सोना है उसका हिलने में। ओह उठ गया वैसे। बुलाओ, हेड टिल्ट तो की है। लेट्स गो। बोलो मैं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ। नहीं मैं भी जा रहा हूँ। चलो। ये ऐसे होता है ओबीडियंस। ओबीडियंट नहीं, वो चाह रहा था कि तुम पहले उठो, जस्ट टू मेक श्योर कि मेरे साथ स्कैम तो नहीं हो रहा कोई। जैसे तुम करती हो। जैसे हम रोज उठते हैं ना तो अलार्म बजता है, तो नहीं उठ जाओ पहले तुम उठो। मैंने कहा ये क्या बात हुई, पहले तुम उठो। ये मुझे उठा के 10 घंटे और सो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं मुश्किल से शायद जितनी देर अनिया उठती है मैं बस उतनी देर लगाता हूँ उठने में। दैट्स ऑल। मेरी जैकेट कहाँ है, बाहर सर्दी होगी, ले लेते हैं। चले चले। और ये जो बेंच का कार्टन है इसको भी डिस्पोज करना है। ये जो बड़े कार्टन होते हैं ना, आई हेट डिस्पोजिंग कार्टन। छोटे कार्टन का कोई मसला नहीं है, आपने बैग में डाला आराम से, ट्रैश में आपने डाल दिया। ये जो इतने बड़े होते हैं ना गाइस, ये मुझे बहुत बुरा, ये मुझे एक करते हैं। चलो फिर तुम करना, फेंक क्यों रही हो, सही तो है। इसको हम फेंक दें, बूनी को जाना है यार। अब तो आ गया ना यार, जरा बॉल ले लें बिकॉज सुबह की वॉक के लिए बड़ा जरूरी है इसको थकाना। इसलिए इसको पता है कि मैं रख रहा हूँ तेज बड़ा है। बैग भी चेक करें, हाँ है। चलो चलो चले। अच्छा गुड बॉय, चाबी भी नहीं। गाइस हम ब्रूनो को वॉक पे लेके आए हैं और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कुत्ते आए हैं। एक तो मज़ल पे ना के लाया हुआ बंदा जो कि मुझे डर लग रहा है बहुत ही जंगली ना हो, और दूसरी एक औरत थी अपने कुत्ते को लेके आई थी वो भी उस साइड पे चली गई, इधर से आ रही थी। तो बॉल खिलाना वायबल नहीं लग रहा इतना, मुझे भी ये लग रहा है कि उसको भी देखो, उसको भी। हाँ ये भी फुल ऑन अलर्ट मोड में गया है वो वाला तो कुत्ता, मुझे कुछ ज्यादा ही जंगली लग रहा है। लेकिन छोटा सा है यार वो, ब्रूनो का क्या करेगा वो, तो वैसे ही सिक्योरिटी टाइट है, टाइट है। कहीं अभी ये कुत्ते जाते हैं तो फिर खोलता हूँ मुनी को। गाइस क्या मजेदार धूप आ रही है, वो जितनी मिल रही है उतनी हम कसम से, इतनी धूप तो अभी तक मैंने शायद देखी नहीं है, और सनब्लॉक भी नहीं लगाया मैंने, cuz I was just not expecting it, but बहुत मजे की धूप आ रही है। बड़ी अच्छी बात है जब तक हमें मिल रही है ना, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे क्लाउडी वेदर होता है
तो बेहतर ये है कि जब तक मिल रही है हम जरा यूटिलाइज कर लें। आंखें नहीं खुलनी मेरी तो। गो ब्रूनो। अभी खुद ही आएगा। ये देखो बॉल। अरे ये तो बहुत ही पास फेंक दी तुमने। ये थ्रो मेरी सही है। दिस इज टेक्निकली द ओनली वे कि हम धोनी को थका सकते हैं, क्योंकि छोटे से पार्टनर ने हम इसको कितना चलाएंगे, तो बेहतर ये तो और जस्ट मी, हम दोनों खेलते हैं बहुत ज्यादा। अब अनिया की बारी है बॉल फेंकने की और ये गई बॉल। जितनी हम दो बॉल से इसलिए खेलते हैं कि एक फेंक दें और फिर वो दूसरी लेके आए, क्योंकि ब्रूनो वापस आके नहीं देता। अगर दूसरी बॉल होगी तो वो छोड़ेगा, अदरवाइज वो छोड़ेगा नहीं। ये पीछे क्यों फेंक रही हो बॉय? तो गाइस आज का दिन काफ़ी फन डे होने वाला है। मैंने सोचा आज पहले ही बता दें कि कौन आने वाला है। तो बेसिकली हसन भाई और नियोमी आ रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। इसको आप हमारा हाउस वार्मिंग डे बोल लें या दावत डे बोल लें या व्हाटएवर इट इज़। उनके जो प्लान्स होते हैं ना वो ज़रा आउटडोर ही होते हैं। उन्होंने बोला हम जाएंगे हाइक पे। मैं कहा हाइक पे क्यों जा रहे हैं, तो चलते तो हैं। चले देखते हैं। खाने के लिए कुछ चीज़ें हैं ये साथ ही। स्पा ही है, स्पा से कॉप से लेना है। कॉप से हमने सामान लेना है थोड़ा सा, आई थिंक मशरूम और बेसिक चीज़ें, बाकी तो सारी हम ले आए थे। रात को हम गए थे क्लेयर फूड, वहाँ पे हलाल चीज़ों की जो वैरायटी थी। दोबारा जाएंगे तो आपको दिखाएंगे यार, बहुत फिट स्टोर था। आई थिंक पिनार्थ समथिंग कोई एरिया था वहाँ पे था। तो अभी कोऑप से जो चीज़ रह गई थी सिर्फ मशरूम है और क्या है। अच्छा वैसे पीछे स्पार था, स्पार हमारे घर के ज़्यादा पास है, लेकिन क्योंकि अनिया को कोऑप ज़्यादा अच्छा लगता है तो हम कोऑप जा रहे हैं। फिट किया, अब इसको जरा डिस्पोज करके आते हैं। ये है हमारा ट्रैश रूम जहाँ पे हाउस होल्ड वेस्ट जाता है, और ये जो आपको हरे डब्बे नजर आ रहे हैं वहाँ पे जाता है ये कार्डबोर्ड वेस्ट। तो अपने कार्टन को फ्लैट पैक करके डन। सारी सब्जियां अली हमजा ने काटी हैं, कितनी अच्छी काटी हैं। I decided to help my wife। मैंने कहा क्यों इतना अनिया काम करेगी, मैं करता हूँ सारा। ये देखो, और अनिया मुझे तब से बोली उंगली ना काट लेना, बस ये मैंने नहीं काटा, ये अनिया ने काटा सारा। नहीं मिर्च तो तुमने काटी है। हाँ ठीक। अच्छा बताओ आप सही काटी कि नहीं? देखो मौका नहीं दोगी तो काटूंगा वैसे। सही काटी है, बस अब प्लीज हाथ ना काटना। ये थोड़ा मोटा कर दो, इसको थोड़ा आधा आधा भी कर दो। आई थिंक बहुत मोटी है मिर्च। यार तुम चख के देखो ना अगर ये मिर्च, ये देखो माइल्ड लिखा हुआ है इस पे। अली क्या इट सेज इट्स माइल्ड? नहीं मेरे दिमाग खराब है। मैं चखू है? मैं चखू चखो। मुझे कुछ हुआ तो तुम मुझे बचाओगे? इन्हें जो सारे जल्दी नहीं करते इलाज, 5 मिनट बाद लगती है वैसे। बिल्कुल नहीं अली, ये गोरे मिर्ची क्यों बोलते हैं? शिमला मिर्ची लग रही है अली। ये तो ये कैसी रेड चिली है, कसम से अली शिमला मिर्च लग रही है। तुम खाओ ना। खाओ ना, शिमला मिर्च नहीं लग रही लाल वाली। अम्मा को बोलूंगा भेज दें। शॉपिंग वॉपिंग जब हो रही थी ना तो यहाँ पे चल रहा था कुकिंग चैनल। ये वाला काटते काटते जरा बताओ जरा कुकिंग चैनल पे जो कुकिंग चैनल जो है वो प्राइवेट है, वो मैं किसी के सामने नहीं करके दिखा सकती। थोड़ा सेंसिटिव वर्जन दिखा दो। ये मशरूम में दिखा दो। गाइस आपने जो है ना, फिर उसके बाद जब आपने अपनी सिग्नल कलर्ड की, आपने शिमला मिर्च काट ली है चकोर, उसके बाद आपने लेनी है तुम्बी। तुम्बी पता नहीं मुझे किसी ने बताया था कि मशरूम को तुम भी या कुंभी भी बोलते हैं। तो ये आपने जो है पतली पतली काट लेनी है ऐसे। और जो नहीं खाता वो
आपने जो नहीं खाता उसके लिए आपने वही थोड़ा आपने उसको मोटा ही रखा है ताकि वो आराम से निकाल सके, आपने अपना भी काम आसान किया उसका भी। लेकिन जो लोग चॉपर में पकड़ के चीजें डाल देते हैं ना वो होते हैं फूड़। सही है, क्या होते हैं फूड़? उसमें जो है आपका बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि आप कितने सुगड़ हैं, क्या हैं। आपने एक चॉपर पकड़ा, सब डाल दिया उसके अंदर। मैं तो अपने मसाले तक हाथ से कूटती हूँ। आज तक मैंने जिंदगी में जो कभी शान के मसाले के डब्बे को हाथ भी लगाया हो। सही है ना? तो ये होती है असल औरत की निशानी, सुगड़, सुगड़ पने की निशानी होती है। ठीक है ना? तो आपने बिल्कुल भी जो है ना आपने चॉपर का इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने तो आज तक कभी चॉपर की शक्ल भी नहीं देखी। शक्ल बिल्कुल गाइस, बिल्कुल शक्ल भी नहीं देखी। मैं अपनी सब्जियां हाथ से काटती हूँ। ये देखे मैंने कितनी अच्छी चकोर चकोर सब्जी काटी है। सही है ना? आपने ये फिर उसके बाद आपने तुम भी जब काट ली है, तुम भी मशरूम, हाँ, तो आपने सारे जो है ना, पता नहीं लोग, पता नहीं लोगों को क्या शौक है खाने का। हमारे तो गांव में ये फ्री में उगती थी हर जगह, हमने तो आज तक कभी नहीं खाई। यहाँ पे सब पागल हुए हैं, हाँ, इतने 5-5 pounds दे के लेते हैं। हमें बताया गांव से उनके लिए ले आएंगे, 5 pounds हमें दे दें। सही है ना? तो ये आपने तुम भी को काट दिया है। फिर आपने अपनी जो है सब्जियों को करना है साइड पे। अच्छा, आपके गांव में इसको क्या बोलते थे ये जो मैं भी खाऊंगा? ये हमारे गांव में कोई नहीं खाता। ये आप लोगों की शौक है, हम लोग खाते हैं खालिस खाना। सही है ना? ये हम लोग पैकेज वैकेज वाली और डब्बों वाली चीजें नहीं खाते। चावल वगैरह भी आप खुद ही उगाते होंगे? गंदम हमारी औरतें ताजा सुबह सुबह उठ के तोड़ के लाती हैं चावल। हम उसको पीसते हैं चक्की में, फिर हम लोग उसको थोड़ी देर छोड़ते हैं, फिर हम लोग फ्रेश ताजे ताजे आटे की रोटियां बनाते हैं। रोज रोज तोड़ के लाती हैं फ्रेश। यही तो होती है औरत की निशानी। आजकल पता नहीं हमारी औरतें किन किन कामों में पड़ गई हैं। कसम से, काम कमाओ, पढ़ाई करो, पैसे कमाओ, ये भी कोई काम है? सारे आदमियों के काम है, कसम से। सही है। फिर आपने एक प्याला लेना। यहाँ पे डोंगे जो है ना मुझे जरा नहीं पसंद आते। ठीक है, ये तो हम मजबूरी में आ गए यहाँ, वरना हमारा बस चले तो हम जाएं वापस। क्या शहंशाहों वाली जिंदगी होती है, कसम से। उस दिन मैं बाजार गई तो एक पैकेट के अंदर सारी सब्जियां कटी हुई थी, लिखा हुआ था स्टेयर फ्राई मिक्स पहले की, हाँ, और 5 pounds का। मैंने बोला ऐसी भी क्या सुस्ती, अब बताओ ये स्टेयर फ्राई मिक्स ताजा कट गया, कितना टाइम लगा। कसम से, गाँव में तो वैसी तुम करती थी रोज। हम तो ताजा ताजा तोड़ के लाते थे सब्जियां, उसी वक्त काटते थे। गाइस, इन केस ये आपको अभी तक समझ नहीं आई, ये हमारा ना रोज का सार्कैज़म बैंटर है जो चलता रहता है, हम ये रोज करते हैं। ये पहली दफा हमने आपके सामने दिखाया। तो मैं एक कैरेक्टर में आ जाता हूँ, मैं वो कैरेक्टर में जाके बातें करता हूँ, फिर नहीं करती। आज न्यू में रसन भाई के आने से पहले कपड़े मैंने धोए थे, तो ये जरा ड्राइंग रैक से उतार के फोल्ड शोल्ड करके जरा इस कमरे को क्लियर करते हैं। इस कपड़े ड्राइंग रैक से निकाल लिए, मैं कर रहा हूँ सफाई और रनिया बना रही है खाना। ये तो एज यूजुअल कुछ नहीं कर रहा, ये तो जल्दी जल्दी कर लें आने से पहले, भी थोड़ी देर रहती है उसमें आने में। सून एज वी कैन, एंड नहाना भी है, रेडी भी होना है। सफाई भी हो गई, कपड़े भी उतार लिए, यहाँ की सेटिंग वगैरह भी हो गई, बाथरूम साफ करने थे वो भी हो गए। अब जरा क्विक नाश्ता कर लें, वो है ये प्रोटीन कैरमल पुडिंग, गर्म प्रोटीन मिल जाएगा। थोड़े से अंगूर पड़े थे वो भी खा लिए, वो वरना फेंकने में ज़्यादा ज़ाया हो गए थे। अच्छा हुआ, हमेशा फ्रिज में थोड़ी सी छांटी कर लिया करें कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो ख़राब होने वाली है, तो उसको पहले यूज़ कर लें। ये हमने एक रूल निकाला है, कोई वेस्टेज ही ना हो। तक करने के बाद हमारी कॉफ़ी, ये जरा मैंने कहा कॉफी पी लूं, और फिर हाथ धो के जरा रेडी होते हैं। खाना भी बन चुका है, टेस्ट किया, हमने बोला ये तो बिल्कुल ऑथेंटिक पाकिस्तानी चाइनीज अगर आपने खाया वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऑथेंटिक चाइनीज कभी नहीं खाना गाइस, मैं बता रहा हूँ। इफ यू हैव ऑथेंटिक चाइनीज यू विल नॉट लाइक इट। सो वी ऑलवेज नीड पाकिस्तानी देसी चाइनीज, जो हल्का सा खट्टा, हल्का सा हल्की सी मिर्चों वाला, जो ब्लैक पेपर और मंचूरियन चचूरियन होते हैं, चाइनीज में नहीं होता, ये हमारे चाइनीज होते हैं। क्या और केचप, लेकिन हमारे चाइनीज से बेहतर कोई चाइनीज भी नहीं होता। गाइस, खाना बना हुआ था कैश्यू चिकन, एंड आई एम सॉरी हम आपको दिखाना भूल गए बिकॉज़ वी वर सो बिजी ईटिंग। आई एट इट ऑल। सो हाउ डिड यू फाइंड द फूड? आई मीन यू कॉम्प्लीमेंटेड, लेकिन दोबारा तारीफ कर दें। अनियंस गोना फील वेरी नाइस अबाउट इट। इट वाज कंप्लीटली रबिश, इट वाज जस्ट पुट टुगेदर, आई कुडंट टेस्ट एनीथिंग।
I couldn't taste a thing. Overpowering chicken. There was the chicken was overpowering. The salt. Chilies were overpowering. The sesames were overpowering. No, joking. It was one of them. I couldn't believe that this wasn't either taken from a restaurant or it was. I don't know. It was delicious. Cashew, Naomi, did you like it? What do you call it? Cashew chicken. Cashew chicken stir fry. It was just beautifully cooked, perfectly cooked. The chicken wasn't dry. It was just the right amount. Nutritious. Yeah, very nutritious. Lovely rice. You guys, हमने हसन भाई से पूछा है कि यहाँ पे डिश वॉशर चलाने से ना हमें डर लगता था कि बिजली का बिल ज्यादा आएगा तो हम हाथ से धो रहे थे. You're sure about this, right? Loading it two times a day. गाइस, हसन भाई और नियोमी जो हैं वो किमी को साथ लेके आए. किमी इज द डॉग. सीन ये कि हमने डिसाइड किया था कि हम हाइक पे जाएंगे. हसन भाई बहुत एडवेंचरस हैं दोनों, तो उन्होंने बोला था कि हम हाइक पे जाएंगे. अब वो बोल रहे हैं कि हाइक पे चलो. मैंने कहा नहा लेता हूँ अभी से. तो वो कहता है कि अभी नहाने की जरूरत नहीं है, वापस आके आराम से नहा के साफ सुथरे होकर नमाज वमाज पढ़नी. मैं कहा नॉट बैड, गुड आइडिया. अभी जरा निकलते हैं क्योंकि आई थिंक रास्ता भी है कोई घंटे का. दैट्स किमी. और बूनी की और किमी की आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती करा रहे हैं ये दोनों. एक दफा थका दें तो फिर आराम से बैठें और आराम से फिरेंगे, अदरवाइज स्ट्रक्चर सस्ती नहीं होगी वरना. तो गाइस, नियोमी और अनिया कोऑप गए चीजें लेने. अनिया और हसन भाई आर वेटिंग आउटसाइड. गाइस, नियोमी इज अप्लाइंग वॉल्ट्रॉल विद अ थैला ताकि हाथों पे ना लगे. विद अ पूप बैग. द मल्टीपल यूसेस ऑफ अ डॉग पूप बैग. Also, I got Skittles Giant and Gooey. I didn't realize. Do you want to try one? Yeah. Taste test. Damn. Which one's nice? Too big. Yeah, they're giant and gooey. Yeah. Oh my god. Are they nice though? Yeah, nice. गाइस, हम लोग थोड़ा इन द मोमेंट कैरी हो गए थे एंड वी कुडंट रियली रिकॉर्ड, बट हम लोगों ने अच्छा सा लंच किया. बहुत ही मजे का बनाया था मैंने. बहुत मजे का. बहुत मजे का. तारीफ भी की थी दो दफा. हाँ, बहुत मजे का था ना. थैंक यू. एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर अ हाइक जो कि हम लोगों ने आज तक बहुत अरसा हो गया किए. वेयर आर वी गोइंग? ब्रेकन बीकम्स. एंड हाउ फार इज इट? About 45 minutes drive, 45 to 50. You know the funny part, we try to avoid these stairs and we try not using them because they're harder to climb. So what do you use? We go around. Like we walk an extra 5-10 minutes to avoid this. Okay. So why did you decide ke the day, one day we have off, we should decide to go on a hike? Because whose idea was this? It was my idea. Because the thing that attracts me to Wales is the valleys, really, you know. You come to visit, heard about it a lot. You come to visit Anya, yeah, sure, but I see her all the time. I don't really see her all the time, but I said to make the most of it, one of the best ways to spend time with each other is to get tired together. no bonding, like exhaustion bonding, exactly. Right, ye in logon ka apna kuch thoda romance chal raha hai, just sniffing, getting to know her. And then for dinner we're going to go to Matsudai ramen. What? Matsudai. Mitsubishi? No, Matsudai. No, I call it Medusa. Medusa. I make names for everything. Ko ek gaadi mein leke jana hai. Jayega kaise? Kimi really wants to go. Oh. She's so used to. I think he can go. Main ja. Buri, aajo. Ja. Aajo. Ja. Hamare bed pe to chadh. Oh. Ab Kimi hamare saath baithegi. Pehle tum aage baitho Hasan bhai ke saath. Okay. And me, Naomi and Kimi. Ooh, snackers. Snackers. House full ho gaya hai. Kimi at the front. Boonie, how many hours? 1 hour 7 minutes. 1 hour 7 minutes, and we are all set. Boonie having fun. Boonie actually likes. Boonie likes windows, so he likes looking out the window, which he has. Set. Okay. Kimi, तुम्हारे बाल इतने पाले हैं, इतने पाले. Guys, ये हमारा रास्ता है, जो कि अब सिर्फ 9 minutes करेंगे. It was an hour drive. And Kimi इस तरह बैठी हुई है, Bruno पीछे बैठा हुआ है, and this is what our रास्ता looks like, very beautiful. तरह थोड़ी मरी की हमें याद आ गई, वो उस साइड पे हमें अभी हाँ valleys. So guys, हम आ गए हैं. असल में हमने करना क्या है? मतलब जाना कहाँ से है? We're gonna go from here. Okay.
all the way to the top. वो जा जा लोग जा रहे हैं. Back down. Oh my god. Just वहाँ तक. ऊपर तक. And then there's another hill. Yeah. Mountain. It's about. If we have capacity, so we will go there. No, no, that's what we're doing. Okay. Okay. And then, in fact, no, we'll run up. No, we will go all the way up, get a nice view, and then see how far we can go. Huh. And then we'll see how far we can go. If we feel the energy, then there's another further 2 hours higher. I don't think we'll like the 2 hours, but let's see. तो let's see. अभी किमी भी है ना, किमी भी है, ब्रूनो भी है, अभी देखते हैं. मजा आएगा. चलो देखते हैं. ये बूनी को भी निकाल देते हैं. ओ बूनो इधर आ, इधर आ. ये लोग पूरे गियर के साथ आए हैं, हाइकिंग शूज एवरीथिंग. हम अपने नॉर्मल जॉगर में. गुड लक टू अस गाइस. हम तो नॉर्मल जॉगर में. गाइस हमारी हाइक जो है वो अभी यहाँ से स्टार्ट हो रही है. 4:19 हो रहे हैं. सनसेट से पहले तो नीचे प्रॉब्ली आ जाएंगे. आई होप वी आर नॉट स्टक अप देयर. हियर इट गोस. हाँ कोई मसला नहीं, कैंपिंग शैंपिंग कर लेंगे. हमारी हाइक तो यहीं पे पूरी हो गई. ये यहाँ पे वाटरफॉल आके एंड हो रहा है. और यहाँ पे सब ही अपने कुत्तों के साथ आए हैं. जैसे कि हम इसको हजम नहीं हो रहा कि इतने कुत्ते क्यों हैं. ओ भाई गिरूंगा. आराम से चलना. नो वंडर लोग हाइकिंग शूज़ पहन के आए थे. नहीं मज़े की बात बताऊँ, सब ने पहने हुए थे हाइकिंग शूज़. देयर वाज नॉट अ सिंगल पर्सन दैट आई सॉ हु वाज विदाउट हाइकिंग शूज़. गाइस मुझे नहीं पता था कि पानी को देख के कुत्ते इतने एक्साइटेड हो जाते हैं. वो आपको किमी नज़र आ रही होगी, इतनी पानी में जाई जा रही है बार बार. न्यूमी उसको पकड़ के ला रही है, बट वो इतनी हाइपर है. एंड यहाँ पे ये है ब्रूनो जो कि पानी से डर रहा है. आगे किमी भी और वो गीली भी हो गई. अब ये फिर पानी में जाएगी. मुझे क्यों लग रहा है पानी में जाएगी, पानी में गई या फिर से चली गई. उसका भी मुझे लग रहा है दिल कर रहा है, बट वो डर रहा है. ब्रूनो इतना अम्यूज हो रहा है दूसरे कुत्तों को देख के. वो पानी में खड़े हैं, पानी पी रहे हैं, और ये यहाँ पे जो हमारा घोड़ा है ये डर रहा है पानी से. गाइस अभी क्वार्टर भी नहीं हुआ, पता लग रहा है हमारी एंड्योरेंस इज शिट. 2 मिनट हुए वहां से आए जहाँ गाड़ियां खड़ी हैं. और आप लोगों को एक चीज दिखाते हैं जो हमने अभी देखी. एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. यहाँ से ये देखें, इंतहाई खूबसूरत. यानी वही ऊपर से आ रहा है और नीचे तक जा रहा है. ब्रूनो साहब की जो एक्सरसाइज होगी ना आज, प्लस हमारी, अब समझ आ रहे लोगों ने हाइकिंग शूज क्यों पहने थे. मैं वेल प्रेप्ड आना चाहिए, लेकिन जितना आएंगे उतनी एंड्योरेंस डेवलप होगी, तो ये एक्टिविटीज करनी चाहिए. गाइस मैंने हाइक का तो एक हैक निकाल लिया, क्योंकि मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ. मेरे आगे ब्रूनो है, इसकी फोर्स से मेरे लिए आसान हो रहा है हाइक करना. ब्रूनो आगे चलेगा और मैं थोड़ा पीछे पीछे, बट थोड़ा सा आसान हो रहा है उसकी वजह से. गाइस मुझे ऐसे लग रहा है कि हम हाफ वे पहुंच चुके हैं. हमारा जो टारगेट है वो वहाँ पे जहाँ पे क्लाउड्स हैं वो है, बट अब देखते हैं कहाँ तक जाया जाता है. बिकॉज किमी में इतनी एनर्जी है. अनिया ने किमी को ले लिया, मेरे साथ ब्रूनो है. वो मुझे लग रहा है थक चुका है, एंड क्योंकि गर्मी लग रही थी तो मैंने जैकेट उतार के बांध ली. सांस से आइडिया हो रहा होगा. गाइस किमी जहाँ इतनी दूर भागना शुरू कर दिया था अभी भी. और हम तब से उसको बुलाने की कोशिश करें जो कि यहाँ पे हम फंसे हुए हैं. किमी आ जाओ. और जब भी हाथ आने वाली होती है. आगे 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 आगे. Are you okay? Oh my god, you just did. Yes, yes, I did. Excellent. Sixer, chocolate. My bum isn't on the story. Oh my god, yes, it is. Are you okay? I'm fine. Someone did a little easy. Expert nose dive. Because I think हमने कोई 80% 80% 60% नहीं नहीं यहाँ ये क्लाउड्स तक तो जाना था. Yeah, I think we're pretty but close. But we're going to Ben Yifan, which is one behind this one. Yeah, and I was thinking.
but it's already 5:18. I think we have an hour or 2 hours. No, we should start going back down about half an hour. Yeah, because it's gonna start getting dark. It's gonna be dark and it's gonna start raining. Guys, this is absolutely beautiful. Plus, the valleys you see, वहाँ पे पता नहीं आपको कैमरे में नजर आ रहा है कि नहीं, इतनी खूबसूरत लग रही है यहाँ से देख के, it's crazy. And all thanks to Kimmy. मुझे आइडिया भी नहीं था कि 16 किलो का कुत्ता जो है उसकी इतनी फोर्स होगी कि मुझे इतनी आगे ले आएगा. अभी दिखाता हूँ अनिया लोग कहाँ हैं. वो आपको रेड हुडी में पता नहीं नज़र आ रहे कि नहीं, अनिया लोग हाँ वो रेड में स्पॉट करें. और हम इतनी आगे हैं बिकॉज ऑफ किमी. एंड लुक एट हसन भाई, ये आई एम हियर. हसन भाई, टर्न अराउंड. हमने भी यहाँ पे जरा कंक्लूजन बनाया कि देयर इज नो वैल्यू गोइंग अप बिकॉज आई एम सो ग्लैड आई गॉट दिस ऑन कैमरा. और इतना क्लाउडी हो गया कि अगर हम ऊपर चले भी गए तो हमें नज़र कुछ नहीं आएगा. वो जो वैलीज आपको दिखाई थी वो भी गायब हो गई हैं. हाँ या श्योर, थोड़ा इधर उधर देखेंगे थोड़ा अचीवमेंट फील होगी, बट नो पॉइंट. सो आई थिंक विल बी गोइंग डाउन. या यार, बहुत टाइम लगेगा गाइस. हम बहुत अच्छे टाइम पे नीचे आ गए. सनसेट बस हो गया, ऊपर क्लाउड्स आ गए थे, नज़र कुछ आना नहीं था. टाइमली वी आर गोइंग बैक. और हमारे जो गोडे गिट्टे हैं अब वो जवाब दे देंगे. लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे लेग एक्सटेंशन लगा रहा हूँ. दिस इज द प्लेस दैट वी केम टू. इट्स ब्रेकन बीकन, इसका पूरा मैप है. आई डोंट थिंक हम सारे पे गए हैं, बट लवली प्लेस, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल प्लेस. अब जरा हम चलते हैं घर की तरफ क्योंकि अब हम थक भी पड़ गए हैं एंड घंटे का रास्ता भी है घर. गाइस फाइनली आ गए, कार पार्क में गाड़ी लगा रहे हैं. ऐसा नहीं भी पार्किंग मिली है हमें, हम यहाँ पे लगा रहे हैं. फिर निकालते हैं बूनी को खाना भी लाने से. लग रहा है बड़ी लंबी ड्राइव थी यार, हम सो गए गाड़ी में. गाइस वापस आके हमने हसन भाई और नियोमी को अपार्टमेंट में छोड़ा, ब्रूनो को खाना दिया. जो हमने खाना बच गया है वो हम कल खाएंगे. I can even pack some for Hasan bhai and Naomi, they quite liked it. तो मैं कल खा लूंगा ना प्लीज, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा था ना. और अभी के लिए सबको जरा चेंज चाहिए था डिनर के लिए, तो हम जरा जा रहे हैं विंग स्टॉप बिकॉज भाई एक हलाल था, वहाँ से हम जरा लेंगे विंग शिंग. उन्होंने ऑर्डर भेज दिया तो वो बस लेने आए, इस गाड़ी पे थोड़ा मुश्किल है. विंग स्टॉप से ऑर्डर किया है, आधे घंटे की वेटिंग है, तो उतनी देर फिर हमने सोचा जरा टेस्को से आए और चलते हैं अब टेस्को की तरफ. टेक अवे भी इतनी दे रहे यार. इंडियन रेस्टोरेंट भी है कौन सा? हाँ स्पाइस क्वार्टर, ये भी ट्राई कर सकते हैं. ज्यादा पौने घंटे के वेट के बाद हमें फाइनली विंग स्टॉप मिल गया है. एंड एक मजे की बात बताता हूँ, विंग स्टॉप पे क्योंकि देर थी और हमने खाना नहीं खाया था तो हम गए चिपी लेन में ना. हमें नगेट्स नजर आए बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स की शक्ल वाले. अब मैकडॉनल्ड्स खा भी नहीं सकते, ज़्यादा एथिक्स भी होते हैं कोई चीज़ बंदे के. वहाँ पे बंदा खड़ा हुआ था, वो अपना पाकिस्तानी लग रहा था, तो मैंने उसको पंजाबी बोलते सुन लिया. मैंने उससे वैसे पूछा, मैं कहा ब्रो हलाल है कि नहीं? लाइन में लगने के बाद मैंने पूछ लिया तो कहते जी जी सब हलाल है. मैंने कहा ओके. तो नगेट्स थे सिक्स पीसेस थे. तो नगेट्स सिक्स पीसेस थे तो मैंने तो कहते कितने वाले चाहिए? मैं कहा सिक्स पीस. उसने मेरा ऑर्डर लिया, पैसे लिए और जाते हुए मुझे बोला दिस 10 इन द. मैं कहा बट आई आस्क्ड फॉर 6. कहते दिस 10 इन द. मैं कहा अच्छा यार शर्मा रहा हूं. तो ब्रो ने एक्स्ट्रा दे दिए. ब्रो अगर देख रहे हैं तो थैंक यू. बिल्कुल डिटो मैकडॉनल्ड्स. सिंस यूके में कोई हलाल मैकडॉनल्ड्स नहीं है, यू आर एवर क्रेविंग मैकडॉनल्ड्स के नगेट्स इन कार्डिफ, गो टू चिपी लेन. द स्वीट पोटैटो फ्राइज दो हैं एंड I was hoping chips wings, very nice. और ये गाइस किमी रात से ही ऐसी चल रही है, उसको मोटर दी हुई है उसको. आई स्वेयर टोर्नेडो सुपर. कैन आई सी द पिक्चर? दैट्स एक्चुअली बैकग्राउंड इज नॉट एज नाइस एज मैन. मे बी डू सम एडिटिंग, बैकग्राउंड ब्लर और समथिंग विद इट. किमी व्हाट यू डूइंग? वेयर इज द शैडो इन थिंग्स. नॉट बैड दो, नॉट बैड, गुड वर्क. And wait for the peace. You look so nice with the lilies in between. You're not far too patient. Really? Yeah. You're not used to that with Kimmy, are you? No. What are you doing, Kimmy? Kimmy, get your nose out of there. Kimmy,
Yes. What did you find? Guys, Hasan bhai is trying to do his skincare. I did. I've done you it. You did? I did it. And Naomi sikha rahi thi. No, Anya was sikhawing me and I was passing it on to him because I don't know the first thing about skincare. What did you put on? The vitamins. I used the Blissful Orange Cream first. The cleanser. Cleanser, thank you. And then I put the vitamin C. Like the yellow one. Anya, do the video. Yeah. This, no kidding. Yeah. And do you have a video for reference? Huh? No. I've actually seen you on Instagram. Oh. Yeah. And then I'm supposed to wait for this to stop being... I should not be able to feel it anymore, right? Yeah, you can't, right? Until it's like dry, like no, slightly can't. Dry. It's no, chip it's chip. Just supposed... Chip is fine, but like, it should be gila. And now I'm meant to put cream. Moisturizer, yeah. Learning about skincare. It's a mystery. Oh. Guys, they're going. Bye! Bye.